container distribution is also important in your CS2 as well. तो मतलब इसके एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन काफी सारे हैं एंड हम लोग इसको रियल लाइफ में यूज भी करते हैं. तो आई काइस्कर हो गया था हम लोग का, एक्सपोनेंशियल हो गया था हम लोग का, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर लिए थे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट दैट वील डू इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. चलो, एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास? एनी डाउट यू गाइज हैव? नो? एम आई ऑडिबल? जस्ट राइट अ येस. ओके, हाँ, क्या क्या? हाँ, फिफ्थ नहीं, फोर्थ ना. अच्छा, यूनिफॉर्म कर लिए हम लोग. ठीक है, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन है. फिर लिखो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. सो टेबल बुक खोलो, टेबल बुक में भी दिया हुआ है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम लोग यहाँ पे यूजुअली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट कैन टेक वैल्यूज बिटवीन टू वेरिएबल, टू नंबर्स. तो यूनिफॉर्म एंड बीटा में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म में आप क्या बोलते हो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 0, 1, बिटवीन 2, 3, ऐसा करके. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इट्स यूनिफॉर्मली. एक टेबल बुक देना मेरे को, तुम लोग शेयर कर लो. यहाँ एक टेबल बुक होना चाहिए था, पता नहीं कोई ले गया उठा के. सो इट्स ऑन पेज नंबर 13. इसका जो फंक्शन है पीडीएफ है, इट लुक्स लाइक दिस. अल्फा प्लस बीटा, गामा ऑफ अल्फा, गामा ऑफ बीटा, एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस वन, वेयर योर एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, ठीक है, ये कॉपी कर लो क्विकली. Just give me a second. Beta, उन्हें कराया नहीं केस में. ठीक है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि वैल्यूज ऑफ एक्स इज बिटवीन व्हाट? 0 एंड 1. तो इसको यूजली पता कब करते हैं यूज? फॉर एग्जाम्पल, किसका वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 होता है? प्रोबेबिलिटी का. तो जब हम लोग को प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कभी सिमुलेट करना होता है तो हम बीटा यूज कर सकते हैं. यूजुअली हम यूनिफॉर्म करते हैं प्रोबेबिलिटीज के लिए, बट बीटा कैन बी यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटीज बिकॉज प्रोबेबिलिटीज हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 1. एनी थिंग विच यू फील हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 1, वो हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो. द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0, 1 इज अ स्पेशल केस विथ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1.
तो अगर हम लोग इसमें अल्फा बीटा के जगह पे वन वन डाल देंगे तो देखो क्या आएगा, टू गामा वन गामा वन गामा एक्स टू दी पार जीरो वन माइनस एक्स टू दी पार वन माइनस वन, ये आएगा विच इज वॉट, टू गामा क्या होता है वन फैक्टोरियल, तो वो हट जाएगा, नीचे वाला भी जीरो फैक्टोरियल हट जाएगा, जीरो फैक्टोरियल इज वन ओनली, तो ये एट दी एंड क्या बच रहा है, मतलब इधर वन बच रहा है। और अगर हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0,1 का पीडीएफ निकालने में बोलती हूँ तो वो क्या होता है, वन बाय ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए होता है, और बी माइनस ए यहाँ पे क्या आएगा वन, तो ये स्पेशल केस ही तो हुआ। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0,1 इज अ स्पेशल केस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू वन, क्योंकि x का वैल्यूज तो x एंड 0 एंड 1 के बीच में ही है, और जब आप बोलते हो यूनिफॉर्म 0,1 आप क्या बोलना चाह रहे हो कि x का वैल्यूज आर बिटवीन 0,1, ठीक है। यूजली इसका ना आप लोग ज्यादा आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे इन योर CS1, थोड़ा बहुत वी यूज इन आर CS2 सिलेबस, ठीक है। CS1 में हम ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करते। सिक्स्थ लिखो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना, सो इट्स लाइक अ बेल शेप्ड कर्व, इसका पहले समझ लो फिर तुम लोग लिखना। हम लोग इसका नोटेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। जहां पे हम लोग का जो मीन है दैट इज म्यू, एंड जहां पे हम लोग का वेरियंस है सिग्मा स्क्वायर, तो ये दोनों नोटेशन होते हैं म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। इसका जो पीडीएफ होता है, इसका पीडीएफ ऐसा दिखता है, वन बाय सिग्मा टू पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट वी यूज वाइडली, सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। एंड इसमें हम लोग बोलते हैं एक्स कैन टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। सो इसका रीच इतना ज्यादा है कि आप कोई भी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इट कैन टेक ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज। इसको हम लोग यूजली अ बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये जो पार्ट है आपका ये वाला, दिस इज द मीन या फिर म्यू, ठीक है। एंड ये माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के बीच में सारे वैल्यूज लाई करते हैं। ऑन द वाई एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द पीडीएफ, यस एफ एक्स, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द एक्स वैल्यूज। ये आपका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है दैट इज योर, दिस इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू मीन विच इज ऑल्सो इक्वल टू द, सिंस इट्स अ मिडिल मोस्ट वैल्यू एंड विच दिख रहा है ना इसका हाइएस्ट आपका क्या आ रहा है पीडीएफ, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू मोड। हम बोलते हैं इसके लेफ्ट साइड एंड इसके राइट साइड दोनों तरफ में 0.5 वैल्यूज है, मतलब 50% वैल्यूज ऑन द लेफ्ट 50% वैल्यूज ऑन द राइट, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ मीडियन, सिमेट्रिकल, इट इज आल्सो सिमेट्रिकल अराउंड द मीन। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग देते हैं बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। इसको हम लोग बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। So this distribution is usually used as an approximation to many other distributions, like binomial ko bhi hum log normal approximation se kar sakte hain. Yaad hai binomial ko humne Poisson se kiya tha, np equals to lambda karke. To similarly binomial ho gaya, Poisson ho gaya, all these distributions can be approximated using normal distribution, that we'll see later on. And generally hum log kya bolte hain in statistics, if any distribution has a any sample that is given to you is a very large sample, मतलब आपका जो small n है which is a sample size, अगर मैं बोलती हूँ वो बहुत huge है 10,000, it generally वो कोई भी distribution हो,
लेट्स सपोज बाइनोमियल है, लेट्स सपोज आपका यूनिफॉर्म है, वो हम लोग जनरली बोलते हैं इन द लॉन्ग रन, इन द इन लाइक इफ द एन इज लार्ज इट विल टेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो एनी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ वेरी लार्ज सैम्पल साइज विल टेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यूजली विल टेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका अजम्पशन होते हैं, काफी कुछ होते हैं, ये हम लोग देखेंगे. दिस इज यूजली यूज एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग देखेंगे. नाउ एक चीज और यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, अगर हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत वेरी हाई वैल्यूज ऑफ वी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी लेंगे, तो इट विल ऑल्सो टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को बोलूं प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स निकालो. ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स? फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक एक्स का वैल्यू है. ठीक है, ये कोई एक एक्स है जहां मुझे चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए ना, ये पोर्शन चाहिए, राइट, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एक्स सी डी एफ. अब आप लोग अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने टेबल बुक में खोलो, आप लोग अगर टेबल बुक में अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खोलो, तो इसका देखना इन्होंने कोई भी कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू नहीं दे रखा, मतलब दे हैव नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक फंक्शन टू दिस. तो हम लोग टेबल बुक को यूज करके प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं. सर्टन प्रॉपर्टीज या की प्रॉपर्टीज हम लोग जो हम लोग इसमें यहां पर लिख सकते हैं. तो अगर हम अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, वैसे इक्वल टू आप इन्फिनिटी में दे नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, वन नहीं हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी तो हाईएस्ट है, तो इसके नीचे तो ऑब्वियसली आपके सारे वैल्यूज ही हैं. सिमिलरली अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा. इन्फिनिटी से बड़ा क्या हो सकता है, कुछ तो है ही नहीं, जीरो. उसके बाद प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन या ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा वन होगा. प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन माइनस इन्फिनिटी जीरो, कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये हो गया बेसिक. सिमिलरली अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू, ये जो आपका म्यू है इससे लेस देन इक्वल टू म्यू कितना, 0.5, 50% वैल्यूज इस तरफ है म्यू के एंड 50% उधर है, तो 0.5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन म्यू, येस और नो? अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क नहीं पड़ता आप इक्वल टू दो या नहीं दो, सेम ही बात है, फर्क नहीं पड़ता. अगेन टोटल एरिया, ये पूरा टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वेरी गुड, टोटल एरिया इज ऑलवेज वन. तो द शेप इज सिमेट्रिकल, या फिर हम लोग इसको इन्वर्टेड बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं. सो यू ऑल्सो कॉल इट एज, लिख लो सिमेट्रिकल, आप लोगों ने बोल ही दिया, बट स्टिल यू ऑल जस्ट राइट दीज प्रॉपर्टीज. तो क्यों, अच्छा ये जो एफ एक्स है ना, जो कैपिटल एफ एक्स सीडीएफ, सीडीएफ का कोई भी वैल्यूज आप लोग देखना, कभी भी कोई फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज नहीं करते. जैसे हमने सीडीएफ यूनिफॉर्म में निकाला था, एक्सपोनेंशियल में भी सीडीएफ निकाला था, पॉइजन में भी सीडीएफ निकाला था, बट यहाँ पे सीडीएफ नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे कोई एक एक्सप्लिसिट डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सप्लिसिट फंक्शन हम नहीं बना सकते फॉर सीडीएफ. दिस इज द रीजन कि हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी लिखो मत, अभी देखो खाली, अगर मैं बोल रही हूं कि x follows normal mu comma sigma square, ठीक है, तो यूजली हम लोग लेटर बाद में भी हम लोग सीखेंगे y equals ax plus b, where b and a are constants. तो हम लोग बोलेंगे दिस y विल ऑल्सो फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हम म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर क्या बोल रहे हैं,
इस डिस्ट्रीब्यूशन x का क्या है, मीन एंड वेरियंस है. म्यू इज व्हाट, मीन ऑफ एक्स, एंड सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट, वेरियंस. आप लोगों को याद है, आप लोगों ने किया था, अगर आप मीन में कुछ मल्टीप्लाई करते हो x में तो वो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अगर आप वेरियंस में कुछ ऐड कर, मतलब एक नंबर आप x में कुछ ऐड करते हो तो वेरियंस में ऐड नहीं होते, खाली मल्टीप्लाई होते हैं, याद है. तो ये चीज प्रूफिंग हम लोग करेंगे बाद में, बट सिंस आप लोग को थोड़ा आइडिया है तो क्या हम ऑल्सो वी कैन से दैट y विल फॉलो नॉर्मल. देखो मीन ऑफ x इज म्यू, सो मीन ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी ए म्यू प्लस बी. ए म्यू प्लस बी हो जाएगा मीन, और वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी ए स्क्वेयर वेरियंस ऑफ एक्स, विच इज वेरियंस ऑफ एक्स इज सिग्मा स्क्वेयर. तो ए स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर, ये आप लोग लिख लो. प्रूफ अभी नहीं करेंगे, इसका प्रूफ अलग से करते हैं हम लोग, एमजीएफ जब यूज करते हैं चैप्टर सिक्स में करेंगे. बट ये क्योंकि आप लोगों को पता है, ये बेसिक आइडिया आप लोग को याद है, इसीलिए मैं लिख रही हूं. अब ऑन द सिमिलर नोट, सुनना पहले फिर लिखना. ऑन अ सिमिलर नोट, इफ आई टेल यू दैट अगेन एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वेयर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज व्हाट, वेरियंस ऑफ एक्स इज व्हाट. ठीक है, अब मैं एक रैंडम नंबर जेड लू, जेड इज ऑल्सो अ रैंडम नंबर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, डिवाइड करें तो व्हाट विल बी वेरियंस ऑफ जेड, मतलब व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड. माइनस कर रहे हैं तो मीन से माइनस होता है, और डिवाइड करते हैं तो मीन से डिवाइड दोनों चीज होता है, तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा. यस और नो, एक बार सबका यस चाहिए मेरे को इस पॉइंट पे. थोड़ा मैं जब समझा रही हूँ थोड़ा डीप जाके समझा रही हूँ, आपके आप मटेरियल भी अगर रीड करते हो तो इतने डीपली एक्सप्लेन नहीं होता ये कॉन्सेप्ट, बट यू ऑल शुड, क्योंकि आप लोग को पता है ये चीजें, मैंने डिराइव करके तीन बार दिखा दिया था, कंटिन्यूस में भी डिस्क्रीट में भी. ऑल शुड टेक इट, मतलब यू शुड हैव द हैंग ऑफ इट. और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है हमारे केस में, हुआ कि नहीं. सिमिलरली वेरियंस ऑफ जेड क्या होगा, वेरियंस में प्लस माइनस का फर्क पड़ता है. कैन यू ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, जस्ट टू यू नो गिव यू द फील. म्यू एंड सिग्मा आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, दीज आर नॉट वेरिएबल. वॉट इज द एक्चुअल वेरिएबल फॉर यू, हा, वॉट इज द एक्चुअल वेरिएबल, एक्स इज द वेरिएबल, जेड इज द वेरिएबल फॉर यू, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्लस माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता वेरियंस पे, तो वेरियंस ऑफ दिस थिंग बिकम्स सिग्मा बाहर आ जाएगा, डिवाइड करें तो डिवाइड होके बाहर आएगा एंड स्क्वायर होके बाहर आएगा. इट्स लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग, इट्स लाइक वेरियंस ऑफ दिस इनटू, आप समझो वन बाय सिग्मा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई होके आ रहा था, तो यहां पर भी ये ऐसे आएगा. और वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स क्या है, बना रहे आंसर, चलो ये कॉपी कर लो, ये पूरा चीज कॉपी कर लो. तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इज जीरो, वेरियंस ऑफ जेड इज वन. We'll also say that z follows normal 0,1. Now you will say, ma'am, x follows है तो आप z कैसे बोल सकते हो, इसका proofing हम लोग later on करेंगे भी, but variance and expectation निकालना तो सीख गया. तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, can you say, एक बार देख लो यहाँ पे, can you say one more thing that z is a linear function of x, क्योंकि z sigma equals ये है, it's like a linear function. लीनियर फंक्शन क्या होता है, वाई इक्वल्स ए एक्स प्लस बी ना, वेर यू हैव, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स. आप लोग ये बोलते हो, आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ए एक्स प्लस सी आप लोग करते थे, या एम एक्स प्लस सी करते थे आप लोग,
where mx was the slope and c was the intercept, याद है? It's similar. आप यहाँ पे ऐसे समझो, आप ऐसे divide कर रहे हो. तो what is your slope? 1 by sigma. And what is your intercept? Minus mu by sigma. So, हम लोग क्या बोलते हैं? If x follows normal distribution, a linear function of x will also follow a normal distribution. This you will study later on. But ये पूरा लिख लो and then we'll move to standard normal distribution. अब देखो, लिखो कौन सा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे. लिखो स्टैंडर्ड ठीक है. तो हमने क्या देखा, अगर x follows normal mu comma sigma square हमने पूरा कन्वर्ट किया, तो यहां पे ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली बट विथ मीन इक्वल्स टू जीरो एंड वेरियंस इक्वल्स टू, बस कुछ नहीं है, सेम है. तो लिख लो x follows नॉर्मल 0,1. यूजली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग z से डिनोट करते हैं, ठीक है. यूजली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं. तो यूजुअली आप लोग देखोगे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स वी ऑल्सो राइट अ सेट. अब क्योंकि इट्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, स्टैंडर्ड वर्ड इसीलिए यूज होता है क्योंकि यहां पे जनरलाइज स्पेसिफिक, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन जीरो एंड वेरियंस वन. तो इसका एफ एक्स क्या होगा बताना, सेम. खाली आप लोग क्या करोगे, म्यू के जगह पे क्या डालोगे, म्यू के जगह पे जीरो एंड सिग्मा के जगह पे वन. तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय सिग्मा टू बाय ए टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर. सिग्मा क्या हो जाएगा, वन. सिग्मा स्क्वायर वन है तो सिग्मा भी तो वन होगा, है ना. तो वन बाय, यूजली पता है ऐसे भी लिखते हैं, मैंने क्या लिखवाया था एक बार देख लो, सिग्मा टू पाई रूट ऐसे लिखाया था ना, ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, टू पाई सिग्मा स्क्वायर इस पूरे को रूट के अंदर ले लेते हैं. एक ही बात है, सिग्मा बाहर लिखो अंदर लिखो. मैं दोनों तरीके से आप लोग को दिखा देती हूँ कि आप लोग ऐसे, तो आई डोंट थिंक इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए, बट ठीक है. एक्स स्क्वायर वेर योर एक्स का वैल्यूज लाइज बिटवीन अगेन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज जीरो एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज वन, ठीक है. अगेन इसका भी क्योंकि इट्स अ स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देर इज नो सीडीएफ. सीडीएफ का फंक्शन कन्वर्ज नहीं होता तो हम एक्सप्लिसिटली नहीं निकाल सकते सीडीएफ का फंक्शन. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बुक यूज करते हैं. मैं वो सिखा दूंगी आप लोग को
कैसे यूज करते हैं. अब क्योंकि इट्स अनदर स्पेशल पार्ट, स्पेशल केस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका जो डायग्राम है वो भी वैसा ही दिखता है. जस्ट दैट ये जो आपका मीन था, मीडियन था, ये क्या हो जाएगा, जीरो. हाँ, यस और नो, ठीक है. अगेन इसके इस तरफ एंड इसके इस तरफ 0.5, ये आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही जाएगा वैल्यूज. गॉट इट. इसका और क्या नोटेशंस होता है लिख लो. इसके नोटेशंस थोड़े अलग होते हैं. यहाँ पे हम लोग कभी कभी एफ एक्स, मतलब दिस इज बेसिकली पीडी, लिखो पीडीएफ, लिखो पीडीएफ ऑफ नॉर्मल 0.1, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है. या फिर खाली इसको हम लोग बोलते हैं फाई. इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, याद रहेगा, PHI फाई, ठीक है. सिमिलरली हम लोग CDF का जो हमारा वैल्यू है, CDF ऑफ नॉर्मल 0.1, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अगेन अ फाई बट अ कैपिटल. जैसे इंग्लिश में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होता है ना, वैसे ग्रीक लेटर्स में भी स्मॉल एंड कैपिटल है. दिस इज कैपिटल फाई, ठीक है, दिस इज स्मॉल फाई. अंडरस्टूड. इज दिस क्लियर, देख लो एक बार, ये सब कॉपी कर लो. तो कहीं भी अगर आप लोग स्मॉल फाई देखोगे वो क्या हो जाएगा, पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, एंड कैपिटल फाइव इज द सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल. बोलो हमेशा स्टैंडर्ड नॉर्मल बोलो. तो देखना इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं. दिस इज सेम एज राइटिंग दिस, ठीक है, ऑफ वेर योर एक्स फॉलोज व्हाट, स्टैंडर्ड नॉर्मल. ये हमेशा याद रखना. क्लियर है, देख लो. एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस, देख लो प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है. तो अब हम लोग कुछ बेसिक डायग्राम्स समझते हैं. ये कॉपी कर लो सब लोग जिनका नहीं हुआ है कॉपी. क्योंकि हमारा जो डायग्राम है, हम बोल रहे हैं क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, समथिंग लाइक दिस इट लुक्स लाइक. क्योंकि ये पार्ट आपका सिमेट्रिकल है दोनों तरफ में, and it goes from minus infinity to infinity. So if I take a value x, ठीक है, if I take a value x, तो यहां पे वो क्या होगा, minus x होगा. क्योंकि जीरो के नीचे सारे values क्या होते हैं, minus ना. तो ये अगर minus x है, मतलब suppose मान लो ये एक value है 2.15, ये हो जाएगा minus 2.15. अब ये प्रोबेबिलिटी एंड ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो क्या हम बोल सकते हैं क्यों इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिकल है. जब आप बोल रहे हो इस लाइन के इधर 0.5 है, इस लाइन के इधर 0.5 है, तो ये प्रोबेबिलिटी एंड ये प्रोबेबिलिटी भी तो इक्वल होना चाहिए ना. तो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, दैट प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स, मतलब कौन सा, ये पार्ट, is same as probability x less than equal to minus x, which is this. Yes or no? Huh? Bolo. Can you also write this probability x greater than x, since the entire thing is 1. Since the entire probability is 1, can you also write this as 1 minus प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स. एक बार ये गो थ्रू करो. मैंने सेकेंड टाइम में क्या बोला, मैंने सेकेंड टाइम में बोला कि ये पूरा पार्ट वन है, तो वन माइनस ये पार्ट करेंगे, अगर खाली ये पार्ट, ये यहां तक, तो वो पिंक पार्ट मिल जाएगा ना. कॉपी करो,
इसको लेस देन इक्वल टू कर सकते हो ऐसे। यस विदांशी, आई विल टेल। तो मैंने क्या बोला, कि सेकंड पॉइंट इज ये पूरा प्रोबेबिलिटी, ये पूरा रीजन जो है ये वन है, प्रोबेबिलिटी पूरा तो वन है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वन निकालना है, मतलब ये पार्ट निकालना है खाली, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स निकालना है, विच इज व्हाट, पूरा प्रोबेबिलिटी माइनस दिस पार्ट। फिर से दूसरे डायग्राम में दिखाती हूं अगर अभी भी कंफ्यूजन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में एक भी कंफ्यूजन मत छोड़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन रहा तो मतलब मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है और आपने ठीक से नहीं समझा है। ये आपका जीरो पॉइंट, ये आपका जीरो हो गया, ये मैं बोल रही हूं ए है। सो फॉर इफ आई एम सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब आई वॉन्ट टू फाइंड व्हाट, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस पोर्शन। नाउ आई एम सेइंग दैट दिस इंटायर थिंग इज वन, दिस इंटायर थिंग इज वन माइनस, कैन आई डू दिस इंटायर थिंग माइनस दिस पार्ट, तो आपको क्या ये ग्रीन वाला पार्ट मिल जाएगा फिर? तो वन माइनस जो ब्लू वाला पार्ट है, वो ब्लू वाला पार्ट बेसिकली क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू वन ए है, तो वही तो लिखा मैंने इधर, और क्या लिखा। यस विदांशी बोलो। ठीक है, सिमिलरली कैन आई से दैट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज सेम एज प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, या अगर लेस देन इक्वल टू नहीं रखना तो मत रखो, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अगेन से इज दिस ग्रीन पार्ट लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, इज सेम एज दिस पार्ट ग्रेटर देन माइनस एक्स, सिमेट्रिकल है ना, क्लियर। ये सब बना लो, ये ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हम लोग, सब बना बना के रखो। एक और चीज अगर मैं बोलू, ये ना मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कभी सिमेट्रिकल नहीं बनता है, पता नहीं, कभी तो बन जाता है कभी बनता नहीं है। अब देखो ये अगर तुम्हारा म्यू है, कुछ भी ले लो, जीरो ले लो, म्यू ले लो, एनीथिंग, मुझे चाहिए इन दोनों के बीच में, लेट्स से सपोज ये आपका ए है, कोई भी माइनस ए भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेट्स टेक अ नंबर, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, माइनस थ्री ले लो, माइनस टू ले लो, इसको ले लो थ्री, ठीक है। तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस, मतलब मुझे ये पोर्शन निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी माइनस टू से बड़ा और थ्री से छोटा। चलो हम लोग ले रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो जेड लिख देते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए यूजली क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं, ठीक है। तो कैन यू से दैट दिस इज सेम एज, ध्यान से सुनना, दिस एंटायर थिंग माइनस दिस एंटायर थिंग, विच इज सेम एज राइटिंग प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू माइनस टू माइनस, सॉरी थ्री, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन माइनस टू, यस और नो बोलो। अब यूजुअली टेबल बुक में ना ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटीज नहीं गिवन होता, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
यूजुअली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, एक बार देख लो इसको, गो थ्रू कर लो क्विकली। ये क्या किया है इसमें? ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करो इसको फटाफट। अब ना यहां जो हमने किया था ऊपर, ये पूरा प्रोसेस एक्स फॉलोज नॉर्मल एंड जेड, इस प्रोसेस का एक वर्ड है वो लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो स्टैंडर्डाइजेशन। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो एक नोट बना लेना नीचे में, यहाँ एक नोट बना लो, आप लोग को हो सकता है ये वर्ड मिले कहीं पे। एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्डाइजिंग एक्स का मतलब होता है कि आप एक्स माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहे हो। सो स्टैंडर्डाइजेशन जो वर्ड है ना, दिस डज नॉट ओनली अप्लाइज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक मीनिंग है आप सारे वैल्यूज को मीन से माइनस करते हो। जब आप सारे वैल्यूज को याद करो, अगर आप लोग को, हमने रैंडम वेरिएबल में किया था, सारे वैल्यूज को जब मीन से माइनस कर रहे थे तो उसका एक्सपेक्टेशन जीरो आ रहा था। तभी याद है जब मैंने सिखाया था, इसीलिए हम लोग वेरियंस निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्योंकि आप सिंपली मीन से माइनस करोगे तो जीरो आएगा। एंड वैल्यूज को जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हो ना सारे वैल्यूज को, एंड उसका आप वेरिएंस निकालते हो, तो वो वन आता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज जब आप इसको वेरिएंस को डिवाइड, प्लस माइनस तो फर्क ही नहीं पड़ता वेरिएंस में, तो वन बाय सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? वन होगा। क्योंकि तो ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग है जब आप सारे वैल्यूज को मीन से माइनस करते हो तो आपका मीन जीरो आता है फाइनल, एंड जब आप सबको सारे वैल्यूज को स्टैंडर्ड उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हो तो आपका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन वन आता है। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन, एंड दैट इज वाई वी से दिस इज एक्चुअली इक्वल टू जेड। दैट इज वाई वी से जेड फॉलोज नॉर्मल 0,1। गॉट इट? दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। इज दिस क्लियर? स्टैंडर्डाइजिंग बोल दो, स्टैंडर्डाइजेशन बोल दो, ठीक है ना? अब समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस का क्या इंपैक्ट है ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन का क्या इंपैक्ट है? जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, सपोज मीन एंड वेरिएंस का इंपैक्ट हम कंपेयर करें, तो ये मैं बोल रही हूँ आपका मीन है इसका 40। ठीक है, अब एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, ये हो गया एक्स वन फॉलोज नॉर्मल 40, लेट्स सपोज 30। ठीक है, गॉट इट? एक्स टू फॉलोज लेट्स सपोज नॉर्मल 50,30, वेरिएंस चेंज नहीं कर रहे। एक्स थ्री फॉलोज लेट्स सपोज नॉर्मल 60,30। ठीक है, तो क्या होगा? ये 40 हो गया। अब इसी के ऊपर अगर मैं एक्स टू बनाऊं तो एक्स टू देखो कैसा बनेगा।
मतलब इट्स विल बी सिमिलर, बट ये जो है आपका ये 50 हो गया. आपका जो स्प्रेड देख रहे हो वो सिमिलर है, स्प्रेड अक्रॉस द मीन इज सिमिलर क्योंकि वेरियंस सेम है. सिमिलरली अगर X3 बना दूं अब, सिमिलर दिस इज योर 60, गॉट इट. तो अगर आपका जो वेरियंस है, अगर आपका वेरियंस सेम है, मीन चेंज हो रहा है, तो यू कैन सी द चेंज इन द लोकेशन. तभी हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन में मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था एंड मोड पढ़ा था. सो योर लोकेशन चेंजेस, योर स्प्रेड या योर शेप रिमेन्स द सेम. तो मीन इज अ लोकेशन पैरामीटर. यस, मीन इज द लोकेशन पैरामीटर. लिख लो इसको, बना लो, बना लो इसको सेम. मीन वेरियंस इज डिफरेंट, नहीं सॉरी, डिफरेंट मीन लिखा है मैंने इधर. ठीक है, अब नेक्स्ट करो. आपका मीन डिफरेंट सेम है, शेप चेंज करेंगे, मतलब वेरिएंस चेंज करेंगे. लेट्स सपोज X1 फॉलोज नॉर्मल 30,40, X2 फॉलोज नॉर्मल 30,50, X3 फॉलोज, वेरियंस को मैं इंक्रीज करा रही हूं, ठीक है. तो मैं स्प्रेड इंक्रीज करा रही हूं, इसका मतलब तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. देखो पहला वाला जो होगा, एकदम फर्स्ट वाला जो 30 वाला है उसका स्प्रेड सबसे कम होगा, 40 वाला है उसका स्प्रेड सबसे कम होगा, मतलब मान लो चलो ऐसा कुछ, ठीक है. ये हो गया आपका फर्स्ट वाला. आपका लेट्स सपोज सेकेंड वाला, सेकेंड वाला कैसा दिखेगा, जिसका वेरियंस थोड़ा ज्यादा है, तो उसका स्प्रेड अक्रॉस द मीन ज्यादा होगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. देखो ये ऊपर से क्यों जा रहा है समझो, और ये यहां पे नीचे क्यों जा रहा है. आपका ये जो लोकेशन है ये सेम है, दिस इज एज इट इज योर 30 ओनली, जस्ट दैट योर स्प्रेड इज वाइडनिंग अक्रॉस. तो एक बार देखो ना, नंबर ऑफ वैल्यूज तो सेम ही है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट क्योंकि स्प्रेड ज्यादा हो रहा है तो ये तो आपका नीचे जाएगा ना, तभी आपका लेफ्ट साइड राइट साइड ज्यादा आगे तक जा पाएगा, स्प्रेड ज्यादा हो पाएगा. एंड यहां पे यू हैव हायर प्रोबेबिलिटीज एज वेल. एंड सिमिलरली फॉर दिस, इसका और ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये मैंने थोड़ा ज्यादा वो बना दिया डिफरेंस, तो ऐसे बनाते हैं थोड़ा हल्का, ठीक है, ऐसा कुछ. ठीक है, इसको बना लो. याद है मैंने आप लोग को दिखाया था जब हम लोग डिस्क्रीट कर रहे थे, डॉटेड लाइन एंड डॉट प्लॉट में मैंने दिखाया था कि एकदम क्लोज नेट था, वेरियंस इंक्रीज हो रहे थे, वो स्प्रेड हो रहा था, तभी स्क्वायर होके वो हो जाते वेरियंस, है ना, याद है, वो स्प्रेड हो रहा था एक ही डॉट लाइन एंड डॉट प्लॉट पे मैंने जो दिखाया था. ठीक है, अब एक लास्ट चीज समझते हैं, फिर थोड़ा सम्स करेंगे इसका. लीनियर इंटरपोलेशन, इसी में लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करते देखो. लीनियर इंटरपोलेशन सीख चुके हैं, बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं फिर से.
लीनियर इंटरपोलेशन क्या था, एक्स टू क्यों कर रहे हैं लीनियर इंटरपोलेशन, क्योंकि टेबल बुक में देखेंगे कि बहुत बार हम लोग को सेम वैल्यूज नहीं मिलता, तो हमें लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ता है। लीनियर इंटरपोलेशन में ये जो एफ एक्स है ना, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते थे कि ये आपका एक्स वन है तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स वन, ये आपका एक्स टू है तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स टू, ये अगर आपका एक्स है तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर लेट्स सपोज ये हम लोग को नहीं पता, बाकी ये एक दो तीन चार पांच वैल्यूज हमें पता है, वी आर अज्यूमिंग दैट द वैल्यूज आर लीनियरली स्प्रेड बिटवीन एक्स एंड एक्स वन, x1 and x2, and so that is why you are assuming ki this distance will be same as this distance, and that is why we are doing it. Matlab this distance proportionately to this and this distance proportionately to this is same, that is why we are taking this assumption. तो बहुत बार क्या होता है ना, टेबल बुक में हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं गिवन होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। अब आप लोग आ जाओ, let's suppose पेज नंबर आ जाओ, वन सिक्सटी पे मैं आप लोग को सिखा देती हूं एक बार में। पेज नंबर 160 एंड 161 पे पेज 160 एंड 161 पे ऑफ टेबल, इसको गोल्डन टेबल बुक भी बोलते हैं, टेबल बुक, इसमें हम लोग को ऊपर में देखो जो डायग्राम बना हुआ है, ऊपर में जो डायग्राम बना हुआ है ऐसा कुछ बना हुआ है, याद है ये क्या था, क्या था ये, कैपिटल फाई विच इज व्हाट, सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो ये वैल्यूज गिवन है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, हम लोग को कैपिटल फाइव एक्स गिवन है, देख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखो मैं बोलू, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू 1.65 बताओ क्या है, क्या होगा बोलो, 1.65 एंड 1.66 x की जगह पे 1.65 डालो, x की जगह पे 1.66 डालो, क्या आ रहा है, निकालना क्यों है कैलकुलेटर, वैल्यूज बताओ सीधा, दिस इज नथिंग बट सेइंग यस और नो, क्या वैल्यूज गिवन है, 0.950 और ये। अब अगर मैं बोलूं मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.667 तो ये निकाल पाओ, नहीं 1.657 सपोज, तो ये कैसे निकालेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन करके निकालेंगे। मतलब अगर यहां पे 1.65 है, यहां पे 1.66 है, तो ये आपका हो गया सम वैल्यू, ये आपका हो गया सम वैल्यू गिवन है, बट ये वैल्यू गिवन, निकालो कैसे करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन, ये निकालना है, निकालो।
आंसर एक जन ने बोला तो है, वेदांशी ने 0.9, वो तो ये बोल रही है। अब तुम लोग का क्या आ रहा है? शेषा कभी आ रहा है? देखो बताओ। ठीक है, आया सबका? अब एक क्वेश्चन कर लो, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द शीट ओनली, जो आप लोगों को शीट हमने शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है शायद। एक्स फॉलोज, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, एक्स फॉलोज लेट्स सपोज 450, नॉर्मल 450 कॉमा। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है ये किसका है? स्टैंडर्ड नॉर्मल का। टेबल बुक में 160 161 पे स्टैंडर्ड नॉर्मल का याद रखना, सिंपल ये वाला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नहीं गिवन है, तो आप लोग को स्टैंडर्डाइज करना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो ये आप लोग टेबल बुक यूज कर सकते हो, वरना नहीं यूज कर सकते। तो एक प्रोबेबिलिटी निकालो एक्स ग्रेटर देन 630 एंड एक प्रोबेबिलिटी निकालो एक्स ग्रेटर देन 420। क्या करना होगा सुनो, स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक्स माइनस दोनों तरफ, याद है हमने जब गामा को काई स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, दोनों तरफ इनटू 2 अल्फा कर रहे थे, तो दोनों की तरफ एक्स माइनस 450/100 होगा, सिग्मा होता है, सिग्मा स्क्वायर नहीं, वो आ जाएगा जेड का, जेड के फॉर्म में, फिर टेबल बुक यूज करके करना है। ये दोनों सॉल्व करो, करके बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे।